हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बजे हुए हैं समथिंग 9 के करीब और दिन है आज संडे का। तो बस यहाँ पे मैंने बना ली है रोटियाँ, रोटियाँ बना के लेके आ गई हूँ। तो बस मैं लगा दे रही हूँ इनमें घी, घी लगा के रख दूँगी और गैस पर रख दिए छोले उबालने के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले की सब्जी, रोटी, चावल, यही रहने वाला है अभी खाना। तो बस घी लगा के इनको रख दिया है और इनको इस तरीके से ढक के रख दूँगी, क्योंकि कपड़े में अच्छे से ढक के और फिर ऊपर से इसको अच्छे से बंद कर देते हैं तो काफ़ी टाइम तक रोटियां गर्म रहती हैं, उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती हैं। और यहाँ पे काट दी थी मैंने मोटी मोटी दो प्याज और लहसुन, और इसको पीसेंगे इसीलिए मैंने इतना मोटा काटा है। और यहाँ पे शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें रख ली हैं बच्चों को नहलाने के लिए। तो बस अभी जस्ट मैं नहलाने वाली हूँ बच्चों को। तो उससे पहले मैं आ गई हूँ बाहर और रोटियाँ बनाने के तुरंत बाद मैं दे देती हूँ गाय को गाय की रोटी। तो बस इसको रोटी खिला के अब मैं चलूँगी अंदर और जाके बच्चों को नहलाऊँगी। और संडे का दिन है तो बच्चे घर रहेंगे तो थोड़ा सा परेशान करते ही हैं। तो अभी बन गई है उनकी मैगी। वैसे तो वैसे ऐसी चीज़ें आजकल बहुत कम बनती हैं क्योंकि इनका स्कूल चलता रहता है तो ये स्कूल जाती हैं, लेकिन आज बना दिया है। तो अभी इनको नहला दिया मैंने, नहला के तैयार कर दिया और अभी ये लोग हो रही हैं बहुत खुश क्योंकि इनको इनकी मनपसंद की चीज़ मिल गई है। और यहाँ पर रख दिया चावल बनाने के लिए पानी, चावल जिसमें वैसे चावल बनाऊँगी। और ये देखिए ये हैं छोले जो कि उबल चुके हैं, थोड़े से आपको घुले घुले जैसे दिख रहे होंगे। तो रात को इनको भिगोने का ध्यान नहीं रहा था, तो फिर अभी जब जिस टाइम इनको उबाला है तो इनमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, लेकिन काफ़ी अच्छे उबल गए थे और बने भी काफ़ी अच्छे थे, जो कि मैं अभी आपके साथ आगे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और अभी देखिए 9:30 बज रहे हैं, मैंने बताया था उस टाइम पर 9 के समथिंग का टाइम हो रहा था। ये यहाँ पे ना अलमीरा मेरी काफ़ी बुरी तरीके से ये फैल रखी थी, और फैल तो कपड़े वाली भी रही है, लेकिन कपड़े वाली को फिर किसी टाइम करूँगी, इसको मैं अभी कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे ना मेरी जो मैं एक दो नई साड़ी थी जो मैंने ब्लाउज वगैरह तैयार किए थे वो पड़ी थी ऐसे, रखने का ध्यान ही नहीं रहा बाहर। और जब मैं रखने बैठी तो मुझे ध्यान आया कि इसके जो अंदर वाली साइड होती है ना साड़ी के, एक साइड में तो सब साड़ियों पे या तो फिर लेस होती है या कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अंदर वाली साइड मुझे इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। पीको तो मैं कराती नहीं घर पर ही क्योंकि वो अंदर आ जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और यहाँ पर जब पानी अच्छे से उबल गया था तो डाल दिए चावल, और ये वो वाले चावल हैं जो पसेवा चावल जिसे हम बोलते हैं। और जो प्याज लहसुन दिखाया था मैंने आपको, उसका भी पेस्ट बना लिया। और साथ में दो टमाटर लिए हैं ग्रेवी के लिए, उसका भी पेस्ट बना लिया। और बस मिक्सी में उनको पीस दिया है और यहाँ पर तड़का लगा रहे हैं। वो डाला है जीरा और लाल मिर्ची सूखी, तेज पत्ता डाल दिया खड़ा। और उसके बाद जब अच्छे से ये सब चीज़ें हो गई हैं और सरसों का तेल था तो बस उसको प्याज लहसुन वाले उसको डाल दिया। और यहाँ ना चावल भी पक के तैयार हो गए थे तो फिर मैंने खाली कर दिया क्योंकि बर्तन भी साथ के साथ फिर साफ़ हो जाएंगे सारे। और बस जब प्याज अच्छे से भुन गई है, प्याज को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर को डालने के बाद फिर इसमें डाल देंगे हम बाकी के सारे मसाले। और तो इसमें डाला है नमक, और नमक थोड़ा सा पहले भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर डालिए इसमें हल्दी पाउडर, और इसके बाद डालेंगे मिर्ची पाउडर, और फिर इन सब को डाल के और अच्छे से टमाटर को भुनने देंगे, भुनने के लिए छोड़ देंगे और जब मिला देंगे। और इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ, बस इसमें बाद में जब ये सब बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे छोले मसाला। तो ये अभी अच्छे से टमाटर पक चुके थे तो जो हमने उबाल के रखे हुए थे छोले वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि काफ़ी थिक लग रहे हैं, चावल के साथ खाएंगे तो थोड़े से पतले ही चाहिए। तो बस अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें पानी देखिए डाल दिया था और इसको उबाल दिया है 10 मिनट के समथिंग ओवर, और अभी ये बन के हो गए तैयार। तो बस लास्ट में इसमें डाल दिया है छोले का मसाला जो छोले वाला होता है, और काफ़ी अच्छे बने थे और घुले घुले से ठीक ठाक लग रहे थे क्योंकि चावल के साथ ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा खाना आज का, छोले चावल रोटी, तो सारी चीज़ें बन के हो चुकी हैं तैयार। तो और बस मैं इसको खाली कर दूँगी कढ़ाई को, क्योंकि कढ़ाई भरी हुई रखी थी, फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है बर्तन फिर घिरे हुए रखे होते हैं। वैसे सारे बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे, लेकिन ये इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया सब्ज़ी को। तो बस ये सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो मैंने सारा कुछ खाली कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह धो के अब जाऊँगी मैं पूरा, और बाकी के सारे काम कर ही दिए हैं। बस इसको साफ़ कर लूँगी यहाँ से अच्छे तरीके से गैस को और सिलप को,
और इन सब को साफ़ करने के बाद फिर अभी कपड़े धो के नहाना ही बचेगा, बस इतना ही काम बचेगा। और बच्चे हैं थोड़ा सा, तो काम आज के दिन बढ़ा ही देते हैं। और जो मैं आपके साथ आज एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, तो वो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता ज़रूर चलेगा, क्योंकि आजकल ऐसे फ्रॉड काफ़ी हो रहे हैं। आप वैसे तो आजकल सब जागरूक हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, तो इसीलिए मुझे एक बार लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पर गैस को और इसको मैंने इंडक्शन को अच्छे से पोंछ लिया था, साथ ही साथ दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और यहाँ से स्लब को पोंछ के बस ये सारा काम ख़त्म करके फिर बचता है नहाने का काम। और ये देखिए, ये ना मेरा पता नहीं क्या होता है, ऐसे अंगूठे के नाखून आधे में बीच से टूट जाते हैं, और टूटने के बाद फिर ना काफ़ी दिक्कत होती है। अभी तो लेकिन ये सही ऊपर ऊपर से निकल गया है, नहीं तो जब कच्चा टूटता है तो ठोपर लगती है, बहुत बेकार लगता है। तो जब सब काम ख़त्म हो गया था, थोड़ी देर मैंने सोचा लेट लेती हूँ, और जैसे ही मैं लेटी थी, दो बजे के समथिंग 10 मिनट बाद ही फिर इनका कॉल आ गया, तो फिर मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि अंदर ना नेटवर्क अच्छे से आता नहीं है, और इनकी ड्यूटी जहाँ चल रही है वहाँ नेटवर्क की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे तो 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं डेली, लेकिन कभी कभी क्या होता है 10 दिन में 15 दिन में कहीं ना कहीं आने जाने का मौका लगता है, तो कभी फिर फ़ोन से बातें हो जाती हैं थोड़ा लंबा टाइम, तो इसीलिए फिर इनका कॉल आ गया। तो फिर आज नींद वींद तो सब बेकार ही गई दोपहर की, और तो फिर मैं चली गई थी बाहर, फिर बात करने के बाद फिर बज गया था 3 बजे के बाद, फिर मैंने सोचा क्या सोऊं, फिर मैं नहीं सोई, बच्चों को तो मैंने पहले ही सुला दिया था थोड़ी सी देर दोपहर के टाइम में, फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। तो कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँगी, सारा काम ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो के चाय वगैरह पी के थोड़ा सा बाहर आ गई। बहुत अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, और व्लॉग को एंड करने की सोच रही थी, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो कि ज़रूरी है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा फ़र्ज बनता है, तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ जो मेरे पास आई है व्हाट्सअप से। और देखिए, पहले आपको मैं बाहर का दिखा देती हूँ, बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, अभी अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइस लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइस विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब, इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है, और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, इनको बोलना कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपका पैसा आपको देना है, इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी तो व्हाट्सएप से ही कॉल करनी है आपने, व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर व्हाट्सएप। सुन लिया मैंने, थोड़ा सा आपको स्क्रिप्ट करके सुनाया। और ये ना, अगर आप व्हाट्सएप से कॉल करोगे, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप से कॉल करने की इसलिए बोलते हैं लोग, क्योंकि आप अगर व्हाट्सएप से कॉल करोगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर इनके पास पहुँच जाएगा और ये आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेंगे, और कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं व्हाट्सएप में हमारी कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, कितना पर्सनल डाटा होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी भी कॉल को वो न दें, इग्नोर करें, क्योंकि इन पर कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस यही मैं छोटी सी आपके साथ शेयर कर रही थी जो मुझे सही लगा। और चलिए, इस वीडियो को यहाँ पर करती हूँ एंड, मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में। और अभी बनाऊँगी खाना पीना, शाम का समय हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6 और हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।